हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल फार्मेसी स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सालब्यूटामोल टैबलेट के बारे में। दोस्तों, ये 4 mg की टैबलेट है। आपको ये 2 mg की और 8 mg की भी मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में देखेंगे, और सावधानियां क्या रखनी है और किन दवाइयों के साथ में इसको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, माई सेल्फ धर्मेंद्र फार्मासिस्ट, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। मैं इस चैनल पे आपको मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम सालब्यूटामोल टेबलेट की बात करें तो फ्रेंड्स, ये एक ब्रोंको डायलेटर क्लास की मेडिसिन होती है। अगर दोस्तों हम बात करें कि मार्केट में आपको ये किस नेम से मिल जाएगी, तो दोस्तों ये आपको मार्केट में अस्थालीन टैबलेट के नाम से आती है और सालबेटॉल टैबलेट के नाम से फ्रेंड्स ये आती है। ये जो सालब्यूटामोल सल्फेट है फ्रेंड्स, ये इसका केमिकल नेम है। दोस्तों, हम अगर डोजेज अवेलेबल की बात करें तो ये टैबलेट और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। डोज स्ट्रेंथ, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि 2 mg, 4 mg और 8 mg की स्ट्रेंथ में भी ये अवेलेबल है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो दोस्तों, इस टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से अगर श्वसन मार्ग में किसी प्रकार की दिक्कत है, जैसे कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, तो उस केस में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे इसका उपयोग दमा एक प्रकार की बीमारी होती है, उसमें किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग COPD में किया जाता है, जिसको कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस में, और जैसा कि हमने आपको बताया कि सांस लेने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उस केस में भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर दोस्तों हम बात करें कि ये कैसे उपयोग की जाती है, तो ये खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद में आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, ये मेनली दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें ट्रीमर, सर में दर्द, पैल्पिटेशन, इंक्रीज हार्ट रेट मतलब दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं, और मसल क्रैम्प्स, ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई आपको अनवांटेड इफेक्ट इसका देखने को मिलता है तो तुरंत इसको लेना बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ताकि आपका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। दोस्तों, अगर सावधानियों के बारे में बात करें तो अगर सालब्यूटामोल से आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं या फिर जो माताएं प्रेग्नेंट हैं, वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही इस टैबलेट का उपयोग करें। दोस्तों, दिल की बीमारी या फिर लीवर की बीमारी होने पर इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, अगर हम इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो डाइगोक्सिन के साथ में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और दोस्तों एमोक्सेटिन के साथ में, या फिर मेथिलडोपा, या फिर कुछ स्टेरॉइड्स के साथ में, फ्रूसेमाइड के साथ में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, और ड्रग यूज्ड फॉर डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन की कोई आपकी दवाई चल रही है तो उसके साथ में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, ये हो गई जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।